नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर का एक कार्यक्रम और मैं डॉक्टर एस के पाठक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा मिठास मेले का आयोजन किया जा रहा है और यह मिठास मेला 16 अक्टूबर को शाहजहांपुर संस्थान पर लगेगा। तो मैं आप सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि आप मिठास मेले में आकर के और गन्ना उत्पादन की नवीन तकनीकी से लाभान्वित हों। कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो लाइव डेमो, जो हमारा शोध प्रदर्शनी है उसका लाइव डेमो होगा, विभिन्न कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी होगी और अन्य तकनीकी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मिठास मेले में गन्ना किस्म कोसा 18231 और कोलक 16202 जो नवीन गन्ने की किस्म है, अभी इसी वर्ष फरवरी माह में रिलीज हुई है, इसका मिनी सीड किट भी दिया जाएगा। मिनी सीड किट किसान भाइयों को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से दिया जाएगा और ऑनलाइन बुकिंग 1 अक्टूबर को 10 बजे से प्रारंभ होगी। जो गन्ना विकास विभाग की वेबसाइट है inquiry.knup.in, इसी वेबसाइट से किसान भाई बुक कर सकते हैं और जो मिनी सीड किट है उसको 16 अक्टूबर को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं दो किस्मों पर बात करेंगे जो कोसा 18231 है और कोलक 16202 वैरायटी है। इन्हीं पे हम आपसे चर्चा करेंगे कि इसकी पहचान क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि किसान भाइयों के मन में कई सवाल भी रहते हैं इस वैरायटी को कैसे पहचानें, कहीं किसान भाई कोई अन्य वैरायटी के चक्कर में कहीं ठगी के शिकार ना हो जाए। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप जो गन्ने की किस्म है उसकी पहचान आपको जानना जरूरी है और इस पर पूरी विस्तार से चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक और ब्रीडर उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के डॉक्टर अरविंद कुमार जी। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि जो अभी सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं 18231 पे, ये जो गन्ना आपके पीछे है क्या ये 18231 ही है? जी 18 जी। सबसे पहले सभी कृषक बंधुओं या कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को नमस्कार। ये कोसा 18231 है और इसको फरवरी 2024 में हमारी स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी के माध्यम से इसको रिलीज किया गया था। इसके साथ एक वैरायटी और रिलीज हुई थी, वो भी बगल में लगी हुई है, कोलक 16202। तो ये दोनों वैरायटी इसको कोसा 18231 को उत्तर प्रदेश में रिलीज किया गया और उसको अंगीकृत किया गया था सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए। अब मैं सबसे पहले इसकी पहचान में कोसा 18231, क्योंकि अभी बुआई का टाइम आ रहा है। जी बिल्कुल, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बुआई का समय है, किसान भाई अच्छी तरह से पहचान करके ये इंश्योर कर लें कि हाँ ये वैरायटी वही है तो उसी गन्ने की बुआई करें। तो आप ये देख रहे होंगे गन्ना हमारे हाथ में कोसा 18231 का है, इसकी बड को देखें तो ये बड त्रिभुजाकार है और बड के सामने एक आपको नाली दिख रही होगी, ये इसको बड ग्रुप बोलते हैं और इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं, गहराई लिए हुए है बड़ा स्पष्ट कहा जा सकता है डॉक्टर साहब कि ये लंबी नाली, इस वैरायटी में बड ग्रुप या कुडमल परिसर ये नाली जो है लंबी है। लंबी का मतलब ये स्पष्ट है, अस्पष्ट है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि उनको छूने पे पता लगता है या आप छुएंगे तब महसूस होगा जी। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल नुकीली बड है मीडियम और गन्ना ये सिलेंड्रिकल तो नहीं है, ये आपका स्टेगर्ड टाइप का गन्ना है, स्टेगर्ड मतलब जिग जैग टाइप का। थोड़ा सा और डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा जिग जैग किसान भाइयों को थोड़ा सा समझने में, जिग जैग का मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे ऊपर है तो ये यहाँ दबी हुई है, हाँ ये यहाँ ऊपर है तो ये यही तो जिग जैग जो ये बड होती है उसके पीछे का पोर्शन ये दबा होता है जिसमें दबा हुआ होता है वो जिग जैग आकार उसका बन जाता है। और इस किस्म को LG 95053 और BO91 के संकरण से निकाला गया और जो दूसरी किस्म है वो भी मादा उसमें एक ही यही है सेम LG 95053 और उसमें जो मेल है जी। आपका CULK 94184 पोरियां हम ये कह सकते हैं लंबी हैं, पोरियां लंबी हैं और इनका जो शेप है ये सिलेंड्रिकल टाइप का है जी। पोरियों का ऊपर नीचे एक समान मोटाई है
और इसमें आप देख रहे हैं, ऐसे अगर छू के देखेंगे तो ये स्पाइन बिल्कुल कांटा होता है हल्का सा किसी किसी वैरायटी में, ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कांटे बिल्कुल नहीं, कांटे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। और इसका जो ये ड्यूलेप का कलर होता है ये हरापन लिए हुए है। थोड़ा और नजदीक से चाहूंगा कि दिखाएं इसको, ड्यूलेप का कलर, ड्यूलेप ये जो है। हाँ। इसको क्या कान भी कहते हैं गन्ने का? नहीं नहीं, वो पीछे है ड्यूलेप। अच्छा, अच्छा। ये आलिंद कर्ण के बारे में, आलिंद कर्ण ये है जो इसमें पाया जा रहा है। थोड़ा नजदीक से इसको दिखाएं जरा, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन। हाँ, और ये इनर आर्टिकल है। इनर आर्टिकल का मतलब यहाँ से ये पत्ती दबी हुई है, इसको ऐसे उंगली रखते हुए आएंगे तो एक ही तरफ आर्टिकल पाया जाता है और एक तरफ ये इंसिपिएंट टाइप का आर्टिकल है, शुरुआती अवस्था है। ये गन्ना ठोस होता है, इसमें भी किसी तरह का कोई पित नहीं है। यहाँ से अगर कट करेंगे पूरी को नीचे तो ये ठोस मिलेगा। डॉक्टर साहब, अगर कलर की बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 92423 एक वैरायटी उसके कलर से मिलता जुलता है? बिल्कुल, 92423 के कलर में मिल रही है। और सफेदी लिए हुए गन्ना वो भी था और ये भी सफेदी लिए हुए है। उसमें थोड़ा सा बड ग्रुप और ज्यादा था और बड इससे बड़ी थी और उसमें जब काट के देखते थे तो पिथ निकलता था। ये सॉलिड गन्ना है? सॉलिड गन्ना है और ये बिल्कुल सुडौल गन्ने हैं। ये तो बात हो गई डॉक्टर, इसके पहचान की, जो गन्ने के तने से, गन्ने की आंखों से हम पहचान कर सकते हैं, गन्ने की गांठों से कर सकते हैं। अगर फोलियज की बात करें, अगोले की बात करें तो किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं? दूर से अगर देख करके, खेत के किनारे अगर खड़े होकर के हम देखें कि इसका फोलियज कैसा है तो किस तरीके से इसको किस रूप में हम कह सकते हैं? ये देखो, इरेक्ट तो है नहीं, इरेक्ट नहीं है, सीधा नहीं है, सेमी आर्च बनाए हुए हैं। सेमी आर्च, पत्तियों का झुकाव हम कह सकते हैं कि सेमी आर्च, सेमी आर्च टाइप का है। जैसे 14201 में पत्तियां खड़ी रहती हैं, उसमें दो तीन पत्ती बीच की खड़ी रहती है, चार पत्ती तक जी, और बाकी पत्ती झुकाव ले लेती है। लेकिन 13235 में भी झुकाव रहता है? 13235 में सारी पत्तियां झुकाव रहती हैं, लेकिन इसमें सारी, इसमें दो पत्ती आप देख रहे हैं खड़ी हैं जी, बाकी पत्तियां झुकाव लिए हुए हैं। सेमी आर्च टाइप है, सेमी आर्च टाइप का। और अब इनकी अगर उपज की बात करें और चीनी परते की बात करें, तो क्योंकि उपज का सीधा संबंध किसान भाइयों से है और चीनी परते का संबंध चीनी मिलों से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें उपज इसकी 96 टन प्रति हेक्टेयर की औसत पैदावार है जी। और जो एक्सपेरिमेंट के आंकड़े हैं हमारे, एक्सपेरिमेंटल आंकड़े हैं जी। और इसका जो अगर पोल परसेंट इन केन की बात करें तो हमारा 1347 औसत पोल है, 1347 जी। परिपक्वता इसकी हमने जनवरी से आकलन किया है जी, माह जनवरी में अर्ली वैरायटीज के परिपक्वता का समय होता है तो उस समय इसका 1347 है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये लगभग पैरेलल है CO0238 के। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पहचान की और उपज की बात हो गई, चीनी परते की बात हो गई। किसान भाई, ये नई वैरायटी है और इनको आप जरूर लगाएं, इसका बीज मेले में भी मिलेगा और अन्य संस्थानों से भी अगर मिलता है, हमारे जो लखनऊ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वहां से भी इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई। तो ये नई वैरायटी है, इसकी पहचान के बारे में आपको बता दिया गया, इसकी उपज के बारे में बता दिया गया, इसकी चीनी परते के बारे में बता दिया गया। अब आइए दूसरी किस्म की बात करते हैं। अच्छा, किसान भाइयों को हम बहुत ही सिंपल भाषा में बताते हैं। वैसे तो गन्ने की किस्म को पहचानने में 27 लक्षण होते हैं जी, हमने इसीलिए उन्हीं लक्षणों को लिया है जिससे किसान भाई हमारे गन्ना लेते समय इनको देख सकें। जैसे ये बडग्रूव है, इसके बारे में बताया, नहीं तो कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। नहीं, ये आसान भाषा में, ये आसान भाषा में था। अब हम अगली वैरायटी की ओर चलते हैं जी। हमारा मकसद यही है कि किसान, ये किसान भाइयों का कार्यक्रम है तो किसान भाइयों को जितना बेहतर तरीके से हम बता सकें, समझा सकें, वही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। अब जैसे इसका कलर आप देख रहे हैं, इसका कलर वैरायटी 16202 है, CULK 16202 है, और इसका कलर हल्का सा पीलापन लिए हुए है। अगर ये बैग हटाएंगे तो भी ये पीलापन दिखाई दे रहा है जी। ये कलर बैग हटाने के बाद जी, ये। और इसकी जो बड है ये ओवल शेप टाइप की है,
ओवल शेप और चिपकी हुई, और जब ऊपर जाते हैं तो कभी कभी हमें ट्राइंगुलर बड भी मिलती है, और बड के सामने इसमें बहुत ही सैलो टाइप का बहुत हल्का बड ग्रुप दिखाई देता है, मिलता है। जब ये कह सकते हैं जनरली नीचे की बड होगी वो गोलाकार होगी और ऊपर की बड त्रिभुजाकार होगी, ये कह सकते हैं। ये अंडाकार बड होती है, जैसे अगर हम पांचवी छठी पूरी को देखेंगे इस समय जी, तो आपको ये बिल्कुल ये अंडाकार शेप दिख रहा है, ये अंडाकार। हम ये साइड वाले को नहीं लेते हैं, ये आकृति जो बन रही है अंडाकार, हम इसको केवल देखेंगे, तो ये हमारी आकृति अंडाकार है। और ऊपर फिर बढ़ते जाएंगे तो ये थोड़ा सा फैलाव भी ले लेती है, तो ये मैच्योर नहीं है, बड़ा मैच्योर नहीं है। हाँ, तो ये चिपकी हुई दिखाई देती है, और इसमें भी जो लीफ चीप पे कांटे होते हैं ये बिल्कुल अनुपस्थित है, किसी तरह का कोई कांटा नहीं है। हाँ, कोई कांटा नहीं है, तो ये छिलाई उलाई में बड़ी दिक्कत होती है, उसमें भी ये आसान है, गन्ना आराम से इसको छीला जा सकता है, छिलाई के समय कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऊपर की बड जो होती है, कभी कभी लोग कहते हैं कि ना डबल बड, डबल बड जी, तो मल्टीपल बड, ये देखिए कहीं पे दिख रही है ये मल्टीपल बड। अच्छा, भी ये देखिए, ये स्पेशल करेक्टर, आप अगर इसमें देखेंगे करीब 10-12 गन्ने लेंगे तो ये मल्टीपल बड आएगा, मतलब एक गांठ पे एक से अधिक आंखें जी, ये आपको दिख सकती है। दिख सकती, कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन दिख सकती, दिख सकती है, दिख सकती है। कभी कभी इसमें तीन तीन आंखें भी पाई जाती है। अच्छा, हाँ, तो चलिए किसान भाई इससे भी पहचान सकते हैं, क्योंकि ये करेक्टर और किसी वैरायटी में नहीं पाया जाता है, कभी कभार रेयर पाया जाता है, रेयर पाया जाता है। वैसे तो एक वैरायटी कुदरत का करिश्मा है, वो रिलीज है, किसान की वैरायटी है कहीं कर्नाटक साइड की, तो उसमें तीन बर्ड जो है हर नोड पे है, हर नोड पे। हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हेरिटेबल है। अच्छा, तो इसमें भी कहीं कहीं हम देख सकते हैं कि ऊपर, खासकर ये ऊपर की ऊपर में ज्यादातर दिखाई देती है। ये देखिए, तो क्या ये जब ये मैच्योरिटी आएगी ये खत्म भी हो सकती है या रहेगी? दोनों नहीं, ये रहेंगी, दोनों बड रहेंगी और दोनों जर्मिनेट भी होती हैं। अच्छा, स्पाइन बिल्कुल अनुपस्थित है, वैरायटी ये भी बिल्कुल ठोस है, किसी तरह का कोई पिथ नहीं है। और इसको और ये बगल वाली वैरायटी को अगर दोनों को कंपेयर करें, अभी मैं कह रहा था कि स्टेगर्ड है गन्ना जी, तो ये आपको जिग जैग टाइप का दिखाई दे रहा है, इसकी जो शेप है बिल्कुल आप उस पे जो है एकदम स्ट्रेट पाएंगे। हाँ, स्ट्रेट है। हाँ, देखिए ये 16 अंतर दिखाई पड़ रहा है, ये 18-231 है, तो इसकी एक गांठ यहाँ दबी हुई है, एक यहाँ थोड़ी उभरी हुई है, और इसमें एक बराबर ऊपर से नीचे तक, आंख के पीछे जो दबाव है यही जो है स्टेगर्ड होने का कारण है गन्ने के। और इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे आंख के पीछे इसमें कोई दबा हुआ नहीं है, तो इससे भी पहचान सकते हैं। हाँ, ये 4-6 चीजें अगर किसान भाई हमारे देख लेंगे तो बड़ी आसानी से इस वैरायटी को पहचान सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये प्लांट किसान भाई जो आप देख रहे हैं ये मार्च का बोया हुआ है, ये ऑटम प्लांटिंग नहीं है, शरद काल का गन्ना, ये मार्च का बोया हुआ गन्ना, ये दोनों वैरायटी मार्च में बोई गई थी उसका ये गन्ना है। अभी इसमें और भी इसके ग्रोथ के चांसेज हैं, तो फिलहाल ये दोनों वैरायटियां बहुत ही अच्छी आपको देखने में भी लग रही है, पहचान में भी है। अगर इसकी 16-202 की बात करें उपज और चीनी परते की, उपज इसकी भी 95 टन प्रति हेक्टेयर की है, और चीनी परता पोल परसेंट इन केन इसमें 13.67 पाया गया, 13.67 पाया गया, तो अच्छा है। हाँ, लगभग दोनों बराबर है, दोनों लगभग बराबर है, वैरायटियां स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है इसका शुगर परसेंटेज। तो इस तरीके से किसान भाई ये वैरायटी पहचान सकते हैं, और पहचान करके आप, मुझे लगता है कि बहुत ही सरल भाषा में डॉक्टर साहब ने बताया है, और इस वीडियो के देखने के बाद इन दोनों किस्मों के पहचान के बारे में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई संशय होगा किसान भाइयों को। तो ये इसी पर्पज से, क्योंकि बुआई का समय आ गया है, आप इन वैरायटियों को अगर लगाते हैं, नई वैरायटियों को, तो आप पहचान करके ये इंश्योर करके कि ये वही वैरायटी तभी आप लगाएं, जिससे ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं एक आलिंद कर्ण के बारे में और बोलना चाह रहा था जी। इसमें COL के 16-202 में आप देख रहे होंगे कि ये आलिंद कर्ण जो हमने बताया था आर्किल 18-231 में एक तरफ इनर आर्किल पाया जाता है, और इसमें केवल डेल्टोइड टाइप का है, डेल्टा टाइप का ये बना रहा है, इस तरह का पाया जाता है।
ये कुछ चीजें किसान भाई हमारे देख सकते हैं जब भी कहीं से भी बीज खरीदें, विशेषकर प्रयास करें किसी संस्थान से। 16202 का, 16202 का, और इसका ये डेवलप कलर, ये थोड़ा सा जो ये पीलापन भी हल्का हरा पीला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ये अहम जानकारी किसान भाइयों को देने के लिए। हम अगली चर्चा में एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब ये दोनों गन्ने जो है